स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नवीन इंडिया में। इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, अब आप काफी इंतजार कर चुके हैं। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है छोटा सा प्रोमो मशीन जिसका अभी प्रयोग होने वाला है। तो धान कैसे कटता है, छोटा मशीन है, छोटा काम भी है, उतना भी छोटा नहीं है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन, आइए अब हम जान लेते हैं मशीन के बारे में। हाँ तो बताइए, मशीन का क्या मतलब सिस्टम है, कैसे ये ऑपरेट वगैरह होता है? हेलो, मेरा नाम भीष्मदेव रोहिदास है, मैं झासुड़ा बुंदामल से हूँ। इस गाड़ी चलाते हुए मुझे 6 साल हो गया, अच्छा चल रहा है गाड़ी। ये सब धान काटता हूँ मैं, सब सूखा खेती के लिए है, सब सूखा खेती खड़ा रहेगा धान तो अच्छा कटिंग होता है, थोड़ा घास वगैरह में थोड़ा जाम हो जाता है। ये होता है रिपर मशीन होता है, इसमें धान गेहूँ रास सब कटिंग होता है इसी में। चलो ये होता है स्वराजी TR120, 18 स्वराजी का कंपनी का है। वो कैसे मतलब? इंजन वाल पेट्रोल इंजन है। जी हाँ। पेट्रोल इंजन वाल इंजन ऑन हो जाता है, चौक ऑन हो जाता है, चौक ऑफ हो जाता है। तो नीचे वाला चौक है जो ऊपर वाला? ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला चौक। स्टार्टिंग वाला है, इसमें स्टार्ट कर देने से स्टार्ट हो जाता है। ये होता है मैन क्लच, मैन क्लच दबाने से इंजन काम करने लग जाता है, आगे जाए पीछे जाए, धान काटे ना काटे। इसमें बैक भी होने का है, ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल ये हो गया न्यूट्रल, इसमें बैक होता है, इधर करने से आगे चलता है। ये हो गया एक्सीलेटर, एक्सीलेटर से इसमें कोई टर्निंग वगैरह करने के लिए अपने से करना पड़ता है, इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है। अच्छा अच्छा, आगे में हाँ, आगे में ये जो ब्लेड, आगे में इसका नीचे में ब्लेड है, ब्लेड से धान काटता है। अच्छा, इसमें चैन, दो चैन लगा है, सब चक्री लगा है, चक्री से धान सब काटने के बाद इधर साइड से आके लाइन में गिरता है। चालू करके खाली ब्लेड को चालू कर, चक्री से धान का अलाइनमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। पहले जब हाथ से काटते थे और अब जो ये मशीन की सहायता से आप कर रहे हैं प्रयोग, तो कैसा फील हो रहा है? मशीन में अब सुविधा हो गया है, उतना हाथ से मेहनत कौन करता है अभी का डिजिटल जमाना में। जी, सब मशीन से जल्दी से कर दे रहे हैं, पैसा भी कम लग रहा है इसमें, 5 गांव 7 गांव को चल रहा है। और आप खुद तो करते ही हैं, औरों का भी मतलब हेल्प हो जाता है, किराया करते हैं, दूसरे लोग भी इसमें लेते हैं किराए पर दूसरे खेती के लिए। तो मशीन का जो कीमत है कुछ बताइए? मशीन का लगभग 1 लाख रुपया है, ये होता है रिपर मशीन होता है। तो मतलब सब्सिडी वगैरह मिलता है ना? सब्सिडी वगैरह मिलता है, लेकिन अभी हमको 5-6 साल हो गया लेने में रिपोर्ट, तो धान काटने वाला धान। परफॉर्मेंस कैसा है इस मशीन का अभी? परफॉर्मेंस अच्छा है, खाली इस पे गियरबॉक्स का मोबिल वेल इंजन वेल चेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इंजन एक बार भी रिपेयर नहीं किया है, सब नया चल। बेसिकली ये पेट्रोल से ही चलता है ना? पेट्रोल से चलता। बेसिकली 1 लीटर पेट्रोल में कितना आप काट सकते हैं? एक लीटर पेट्रोल में हम काट सकते हैं 80 डिसमिल काट सकते हैं, 1.5 घंटा। मतलब 1.5 घंटा ये चलेगा, और 1.5 घंटा में तो मुझे लगता है ये पूरा खेत खत्म, इसकी कहानी खत्म कर देंगे।
अब ले चलते हैं जिनका खेत है। दूसरे का है, हम किराए में आए हैं। अच्छा अच्छा, इस खेत को करते हैं आप? हाँ हाँ, किराए में करते हैं। तो अच्छा, मशीन के सहायता से आप अधिक से अधिक काम कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसी में काटने से क्या होता है, सूखा मिलता है, बारिश भी आने से धान, बारिश आने से भी कुछ खराबी नहीं होता है। हाँ, है कि नहीं? ऐसे काटते तो धान पूरा सही से रहता है। ऐसे हाथ से काटते तो पता नहीं कितना दिन लग जाता हो जाता है, पूरा दिन भी लग जाता है। हाँ, और ये बहुत ही बढ़िया से एक और इस तरह से ये पूरा जो है इस तरह से पूरा लाइनिंग खुद तैयार भी कर देता है, ताकि आपको इसको बांधने में भी आसान हो जाता है। हाँ।